हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और एक बार फिर से बेसिक के सीरीज में हम करने के लिए जा रहे हैं बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन। और देखो, बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन से पहले बोर्ड मास पार्ट वन यानी कि भाग एक का वीडियो आप जरूर देख ले। उसमें कोष्टक को छोड़ के यानी ब्रैकेट को छोड़ कर बोर्ड मास से रिलेटेड बाकी सभी बातें की गई है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम देखने वाले हैं कि ब्रैकेट का प्रयोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट जो होता है, अलग अलग प्रकार का जो ब्रैकेट होता है उसका प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, और बोर्ड मास के क्वेश्चन में यदि कोस्ट आ जाए, ब्रैकेट आ जाए, तो किस तरह से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में जानने वाले हैं। पूरी वीडियो हमारे साथ बने रहे, हर बातें यहाँ पर आसानी से समझ में आने वाली है। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ब्रैकेट, ऐसे हमने क्या कहा है कि सबसे पहले जो काम होता है ना, अगर सारी संख्याएं एक ही हो, अगर मान लो प्लस और माइनस है, तो पहले प्लस का काम करेंगे फिर माइनस का काम करेंगे। अगर प्लस माइनस गुना है तो पहले गुना का काम करेंगे फिर प्लस का फिर माइनस का। इसी तरह से सारी क्रियाएं आ जाए, का आ जाए, भाग का आ जाए, मल्टीप्लीकेशन गुना का आ जाए, प्लस का आ जाए माइनस में, तो इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले का काम कर लेते हैं एक स्टेप में, दूसरे स्टेप में भाग का करते हैं, तीसरे स्टेप में गुना का, चौथे स्टेप में जोड़ का, और पांचवें स्टेप में माइनस का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि ब्रैकेट में कुछ बातें यहाँ पर अलग आ जाती है, ये हमको यहाँ से देखना पड़ेगा। ब्रैकेट में जो हिसाब किताब होता है ना, सारा एकदम उल्टा पुल्टा होता है। सबसे पहला काम तो हमको करना है ब्रैकेट, ये रूल तो लागू होगा। देखो ये रूल जो है ना, ब्रैकेट किसी एक ब्रैकेट के अंदर में जो भी संख्या है ना, वहाँ रूल लागू होता है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज डेट मान लो कि आपको 3-2 दिया हुआ है, अब प्लस में आपको 4 दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ से ये 3 जो है ना प्लस में है और 4 क्या है प्लस में है। तो हम क्या बता रहे, पिछले वाले वीडियो में या जहाँ भी आप जानते हो ना, तो प्लस वाला पहले जुटता है, जो प्लस में जुटेगा इसका मतलब 3 और 4 तो जुट जाएगा ना। लेकिन चूंकि ये 3 और 2 ब्रैकेट में है, ले इस कारण से क्या होगा कि ये 3 और ब्रैकेट के अंदर वाले काम को पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमको। ब्रैकेट जब तक खुलेगा नहीं, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक ब्रैकेट खुलेगा नहीं, और जब तक ब्रैकेट खुलेगा नहीं तब तक हम इसको इसके साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं, यहाँ से 3-2 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से हो जाएगा 4। अब यहाँ से देखो 3-2 घटा करके 1 आया, जैसे ही 1 आएगा ब्रैकेट खुल जाएगा, और जब ब्रैकेट एक बार खुल जाए तो फिर इस काम को कर सकते हैं, 4-1 5 ये कर सकते हैं। तो कुछ बातें यहाँ से समझ में आई, चलो बिल्कुल देखते हैं और आगे। इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन को एक देख लेते हैं। मान लो 3-2+6 का 5+2। अब इस क्वेश्चन को करना है ठीक है। तो हमको पता है का काम तो सबसे पहले करते हैं और करेंगे भी सबसे पहले, लेकिन कब, लेकिन सबसे पहले इस कोस्ट के अंदर जो है ना उसका काम हमको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोस्ट के अंदर देखो दो प्रकार की क्रियाएं, एक तो प्लस है एक गुना है। तो सबसे पहले गुना का काम करेंगे, यहाँ से 3 × 2 = 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ से 6 हो जाएगा, का 5+2। अब 6 और 6 = 12, अब जैसे ही देख लो ये जो कैलकुलेशन है ना कंप्लीट हो जाएगा ना, वैसे ही ये ब्रैकेट खुल जाएगा। अब यहाँ से 5+2, अब ये स्वतंत्र है 12 का के साथ काम होने के लिए। अब 12 × 5 मतलब हो जाएगा 60 और प्लस 2, अब यहाँ से हो जाएगा 62। तो ये बातें समझ में आ गई, चलो देखते हैं आगे और सारी कॉस्ट में काम कैसे। तो छोटी कॉस्ट में यहाँ पर कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, अगर मान लो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन छोटी कॉस्ट के अंदर आ जाए, यानी का प्लस का माइनस का डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन का, तो पहले कॉस्ट के अंदर जो है ना उसको सॉल्व करते जाएंगे, बाद बाकी सारे को जैसे है वैसे लिखते ही चले जाएंगे। इस बात पे आपने गौर किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना हमको देखना है कि अगर छोटी दो कॉस्ट को पकड़ लेते हैं, एक तो लाइन ब्रैकेट यानी रेखा कॉस्ट को, दूसरा है स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटी कोस्ट को, दो ब्रैकेट को पकड़ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चल रहे ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। चल तो ये हमने लिया ब्रैकेट, और यहां से 8-2+6, ठीक है,
यहीं तक रहने देते हैं, और डिवाइडेड बाय टू और इंटू थ्री माइनस। तो ये क्वेश्चन मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेहद ही आसान तरीका है। सबसे पहला काम तो इसके अंदर में करेंगे, तो अब देखो ये एक क्वेश्चन है अपने पास। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, देखो यहाँ पर एक कोष्ठ तो छोटी कोष्ठ लगा हुआ है, दूसरा कोष्ठ लाइन ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठ लगा हुआ। नियम क्या कहता है बोर्ड मार्क्स का, कि सबसे पहले प्लस समान चिन्ह वाले को जोड़ देते हैं, यानी कि इस हिसाब से आठ और छः को तो हमको जोड़ना चाहिए था, लेकिन आठ और दो पर तो क्या लगा हुआ है, लाइन ब्रेकेट लगा हुआ है ना, रेखा कोष्ठ लगा हुआ है ना, तो सबसे पहले रेखा कोष्ठ का काम करते हैं। तो रेखा कोष्ठ का काम कर लेते हैं, आठ में से दो क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा, प्लस में छः, ये छोटी कोष्ठ लगा है, इंटू थ्री माइनस सिक्स। अब यहाँ से देखो छोटी कोष्ठ का काम खत्म, ये लाइन ब्रेकेट का काम खत्म हो गया, आते हैं छोटी कोष्ठ पे। छोटी कोष्ठ में क्या है, छः प्लस छः है तो कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स और माइनस सिक्स। अब बताओ ये माइनस है और डिवाइड भाग है, यानी कि घटाव है और भाग है, तो किसका काम पहले करेंगे, देखो भाग का काम पहले करेंगे, यही क्रम है अपना। अब छः से भाग दो बारह में कितना हो जाएगा, दो और माइनस छः, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर फिर एक बार चिन्ह यहाँ पर असमान आ रहा है, जब चिन्ह असमान आ रहा है तो छः में से दो को घटाएंगे, यानी बड़े में से छोटा को घटाएंगे, कितना आएगा, चार आएगा ना। अब बताओ बड़ा कौन, दो की छः, छः और छः का चिन्ह क्या, माइनस, तो ये माइनस यहाँ से लग जाएगा। तो ये बातें समझ में आ गई। देखते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले ब्रैकेट को हम लेके आ रहे हैं क्वेश्चन में। अगला ब्रैकेट कौन सा है हमारा, मीडियम ब्रैकेट ना, मीडियम ब्रैकेट को देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें मीडियम ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है और लाइन ब्रैकेट भी है। तो यहाँ पर देखो इतने सारे ब्रैकेट को देख करके ना हमको डरना कभी नहीं। सबसे पहले काम कहाँ से करते हैं, देखो नंबरिंग यहाँ से अंदर से बाहर की ओर काम करते हैं, बाकी जितना भी लिखा हुआ है ना उसको उसी तरह से लिखते चलते हैं, स्टेप वाइज में अंदर से बाहर की ओर करते हैं। एक नंबर में करेंगे इस कोष्ठ का काम, दो नंबर में करेंगे इस कोष्ठ का काम, यानी कि सबसे पहला काम जो होगा ना वो रेखा कोष्ठ का होगा, दूसरा काम जो होगा वो छोटी कोष्ठ का होगा, तीसरा काम का होगा मीडियम ब्रैकेट या कर्सली ब्रैकेट का होगा, और चौथे नंबर में सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से क्रम है, यानी कि अंदर से बाहर की ओर सॉल्व करते हैं, कभी भी बाहर से अंदर की ओर सॉल्व करने की कोशिश मत करना, फंस जाओगे। चलो अब देख लेते हैं यहाँ से हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा है ना लिखते चलो, ठीक इसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है लिख दो। वो अंदर में देख लो यहाँ से थ्री है, थ्री इंटू थ्री, अब दो और एक पर जो है ना लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे ना, दो में से एक घटा दो एक, प्लस चार है चार कर दो, माइनस आठ है आठ कर दो, अब ये ब्रैकेट बंद कर दो। अब देख लो लाइन ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका है, दूसरे नंबर में करेंगे इस वाले कोष्ठ यानी छोटी कोष्ठ का काम करने वाले हैं। तो छोटी कोष्ठ के अंदर में देख लो क्या करना है, नाइन इंटू टू माइनस, अब देख लो छोटी कोष्ठ के अंदर तो यहाँ थ्री इंटू यानी प्लस है और गुना है, तो गुना का चिन्ह तो पहले करना है, तो थ्री इंटू वन क्या हो जाएगा, थ्री और प्लस फोर। यहाँ भी स्टेप वाइज स्टेप करते चलना है ताकि आपसे गलती होने का चांसेस रहे ही नहीं। फिर इसको इसी तरह से लिखेंगे नाइन इंटू टू माइनस, अब देख लो यहाँ से चार और तीन कितना हो जाएगा, सात होगा, और जैसे ही ये सात होगा ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, ठीक है, सात हो गया माइनस आठ। अब यहाँ से देख लो नाइन, अब क्या है माइनस है और यहाँ गुना है, तो गुना का करेंगे ना, नाइन टू जा एटीन, एटीन हो गया, और उसके बाद माइनस सेवन और माइनस आठ। अब यहाँ से देखते हैं कि समान चिन्ह वाला क्या होगा, समान चिन्ह वाला यहाँ से जुट जाएगा, तो 18 के पास प्लस है ये सिंगल दे जाएगा, समान चिन्ह आठ सात कितना हो गया, 15 हो गया, 18 में से 15 घटाओगे तीन आंसर आएगा। तो समझ में आया ना, एक क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन देखेंगे हम सारे ब्रैकेट को मिला करके।
तो ये क्वेश्चन है अपने पास, और इस क्वेश्चन में सारी सारे प्रकार के कॉस्ट लगभग लगभग आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं हर एक स्टेप को। हमने क्या बोला था कि सबसे अंदर से क्रिया आरंभ करना है, यानी लाइन ब्रैकेट से हमको शुरू करना है, बाकी सबके साथ क्या करेंगे जैसे है वैसे ही लिखते चले जाएंगे। लिखा हमने, अब यहाँ से लाइन इस कॉस्ट में देख लो कि ये क्या है, लाइन ब्रैकेट किस पे है, दो और तीन पर, मतलब जोड़ दो इसको और का दो लिख देना है, ठीक है। यहाँ से ये बंद, -6 ये भी बंद। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है देख लो, दूसरे स्टेप में चूंकि यहाँ पर देखो छोटी कॉस्ट में अभी भी क्रियाएं बची हुई है, तो अब छोटी कॉस्ट का काम कर लेंगे। 3 × 2 प्लस मीडियम ब्रैकेट 6 माइनस, और देखो 5 × 2 मतलब 5 × 2 = 10। जैसे ही ये 10 होगा ये कॉस्ट क्या होगा, खुल जाएगा, छोटी कॉस्ट खुल गया यहाँ से, ठीक है। छोटी कॉस्ट खत्म, ये वाला हो गया और -6 बड़ी कॉस्ट। अब इस स्टेप में अब देखो कौन सा कॉस्ट, 3 नंबर में किस कॉस्ट का काम करना है, मीडियम ब्रैकेट का। मीडियम ब्रैकेट में क्या है, 6 − 10 है ना, देख लो 3 × 2 प्लस, यहाँ से 6 में से 10, 6 में से 10 मतलब 10 में से 6 घटाएंगे, और बड़े वाले में माइनस है तो क्या होगा, -4। तो यहाँ से हो जाएगा ये -4 और ये बच जाता है -6। तो इस स्टेप को देखो थोड़ा सा और खींच लेते हैं। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा -4 और -6। अब सिंपल है, अब देखो यहाँ माइनस है और ये गुना है, तो गुना का काम कर लेंगे। 3 × 2 = 6 − 4 − 6। अब यहां से बताओ कि समान चिन्ह वाले को तो जोड़ते हैं ना, समान चिन्ह किसके पास है, 4 और 6 के पास, दोनों पास माइनस है, तो 6 और माइनस दोनों जुट जाएगा ना, 4 और 6 समान चिन्ह वाला जुट जाता है, चाहे प्लस में हो माइनस में, अगर प्लस में है तो जुट करके प्लस में, माइनस में है तो जुट करके माइनस में। तो यहां से देख लो अब क्या हो गया, 10 है और 6 − 10 है। सबसे पहला देखो चिन्ह यहाँ पर असमान है, 6 का चिन्ह प्लस 10 का चिन्ह माइनस। असमान चिन्ह में क्या करते हैं, जब भी दो संख्याओं में असमान चिन्ह आ जाए तो घटाते हैं, तो 10 में से 6 को क्या करेंगे, घटाएंगे, बड़े में से हमेशा छोटे को घटाते हैं, 10 में से 6 घटाएंगे, 4 आ गया। और अब देखो बड़ी संख्या कौन है, 10 है, 10 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस यहाँ से लगा। तो ये सारी कॉस्ट और सारी संक्रियाओं के साथ बोर्ड मास हो जाता है यहाँ पर ख़त्म। लास्ट में आपको मिल जाएंगे बनाने के लिए क्वेश्चन, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है आपके दिमाग में, समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का इंस्टेंटली रिप्लाई और संभव हो सके तो वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक यदि वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर जाओ, और दोस्तों के पास शेयर भी करो ताकि उनके पास भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ये बेसिक्स रिलेटेड वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।